अगर आपकी उम्र 35 साल या फिर इससे ज्यादा है और ऐसे समय में अगर आप गर्भवती हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जांच करवाने और डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहने की आवश्यकता होती है। प्रसव के दौरान भी आपको डॉक्टर की विशेष मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो आजकल बहुत सारी महिलाएं माँ बनने का निर्णय देर से लेती हैं। और तो और यहाँ तक कि 35 प्लस में भी प्रेगनेंसी के मामले काफ़ी देखे जा रहे हैं। अगर आप 35 साल या उससे अधिक उम्र में माँ बन रही हैं तो हो सकता है कि गर्भावस्था और प्रसव पर बढ़ती उम्र के असर को लेकर आप चिंतित हों। अपनी गर्भावस्था की फाइल या कागजों पर अधिक उम्र में पहली बार माँ बनना लिखा होना भी आपको तनाव में डाल सकता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना परिवार शुरू करने का निर्णय देर से लेने वाली बहुत सी महिलाओं की गर्भावस्था एकदम स्वस्थ गुजरती है और शिशु का जन्म भी आराम से हो जाता है। लेकिन इस दौरान आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दरअसल गर्भावस्था के लिए 30 से कम उम्र को उत्तम माना जाता है। ऐसे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे महिलाओं के शरीर में आने वाले बदलावों में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में 35 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में गर्भधारण के दौरान डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के कारण जोखिम ज़्यादा बना रहता है। ये स्थितियाँ आपकी सेहत के साथ साथ गर्भावस्था और डिलीवरी को प्रभावित कर सकती है। अधिक उम्र की स्त्रियों में गर्भपात की आशंका ज़्यादा होती है, साथ ही गर्भावधि प्लेसेंटा प्रीविरिया यानी यूटेरस का बहुत नीचे खिसक जाना, प्री एक्लेम्पसिया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली समस्याएं और समय से पहले जन्म जैसी गर्भावस्था की जटिलताएं भी अधिक उम्र में ज़्यादा रहती हैं। अब ऐसे में जरूरी है कि जो भी महिला गर्भवती है या फिर 35 साल की उम्र में वो प्रेगनेंसी की इस स्टेज से गुजर रही है तो उस समय हमें उसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बढ़ती उम्र के साथ आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ही करना पड़े। कई बार ज़्यादा उम्र में महिलाएँ नॉर्मल प्रोसेस को एंजॉय करती हैं, क्योंकि हर स्त्री का शरीर और प्रेगनेंसी अलग होती है। ऐसे में कुछ स्त्रियों को अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। पूरे समय डॉक्टर की सलाह को इग्नोर ना करें। शिशु पर असर 35 साल की उम्र के आसपास भी इस बात की पूरी संभावना रहती है कि आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दें, लेकिन अधिक उम्र में मां बनने पर शिशु में कुछ अनुवांशिक असमानताएं होने का जोखिम भी रहता है। इन असमानताओं में डाउन सिंड्रोम या दुर्लभ गुणसूत्र संबंधी स्थितियाँ जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम आदि शामिल है। सभी स्त्रियों को चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो गुणसूत्र संबंधी असमानताओं के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। जांच के परिणाम के जरिए शिशु में कोई समस्या होने के खतरे का अनुमान लगाते समय आपकी उम्र को भी ध्यान में रखा जाता है। इस टेस्ट के जरिए अगर शिशु में कोई असमानता नजर आती है तो डॉक्टर आपको इस बारे में सलाह देते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं और आपको उससे सजग रहने के लिए बोलते हैं, जिससे कि आप उस समय कोई बड़ा फैसला ना ले सकें। इसके अलावा 35 साल की उम्र में प्रेगनेंसी के दौरान सिजेरियन की आशंका बन जाती है, जैसे कि लेट प्रेगनेंसी में प्रसव के समय शिशु की अवस्था ऐसी हो सकती है जिसमें सामान्य प्रसव मुश्किल हो। ऐसा विशेषकर तब ज़्यादा होता है जब आपकी उम्र ज़्यादा हो और आप पहली बार माँ बन रही हों। कई बार देखा जाता है कि शादी हो जाने के बावजूद बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो जल्दी माँ बन जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसे स्टेज होती हैं जहां पर 4 साल हो जाती है, 5 साल हो जाती है, 6 साल हो जाती है, उसके बाद भी जल्दी से उन्हें माँ बनने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में डॉक्टरों द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, यानी कि अगर एक शोधकर्ता की मानी जाए तो 15 से 24 वर्ष की स्त्रियों की तुलना में 25 से 29 साल की स्त्रियों में सिजेरियन ऑपरेशन होने की संभावना 1.8 गुना अधिक रहती है। दूसरी ओर 30 से 40 उम्र की महिलाओं में ये संभावना 4 गुना अधिक हो जाती है। कुछ शोधों में पता चला है कि अधिक उम्र में मां बनने वाली स्त्रियों में फीटल डिस्ट्रेस अधिक सामान्य है। खासकर 40 साल से अधिक की उम्र में पहली बार मां बनने वाली स्त्रियों में ये भी एक वजह है जिससे इस आयु वर्ग में सिजेरियन ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इससे कोई आपको नुकसान हो सकता है या फिर आपको किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इससे कुछ फायदे भी हैं। बढ़ती उम्र के कारण प्रेगनेंसी में थोड़ी समस्या जरूर हो सकती है, लेकिन इस उम्र में गर्भधारण के अपने बहुत सारे फायदे भी हैं।
इस उम्र में आर्थिक स्तर पर स्थिरता आ जाती है। दरअसल करियर की शुरुआत में यंग कपल्स के सामने कम कमाई और ज्यादा खर्चों के बीच बच्चे के लिए बड़ा फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। दरअसल कई बार देखा जाता है कि जब नई नई शादी होती है, नए नए कपल्स होते हैं, तो वो अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करने के चक्कर में अपनी काम कमाई पे थोड़ा सा कम ध्यान देने लगते हैं। अगर इस स्थिति में अगर जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है तो ऐसे में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन अगर 30 से 35 साल की उम्र में अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप माँ बनने वाली हैं, तो ऐसे में आपके पास बैकअप भी बन जाता है और आप उस समय अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकती हैं। ऐसे में बच्चों की ज़रूरत के आगे उन्हें अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ती है, लेकिन अनुभव के साथ उनकी कमाई में अंतर आ जाता है। इस उम्र में इमोशनल मैच्योरिटी भी बढ़ जाती है। दंपति बच्चे को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। करियर में सेट होने के कारण ज़िंदगी में अब कुछ ऐसा नहीं रहता जो उनके और बच्चों के बीच आएगा। ऐसे में मदरहुड को अच्छी तरह से इंजॉय करती हैं। अब ऐसे में इनका ख्याल रखना चाहिए, माँ बनने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले, यानी कि सलाह ले, आवश्यकता पड़ने पर काउंसलिंग करवाएं, हर सेशन में अपने पार्टनर को साथ ले जाएं। अगर आप 35 साल की उम्र के बाद अगर माँ बनती हैं और या फिर उसके बारे में सोच रही हैं, तो धूम्रपान करना छोड़ दें और अपने पार्टनर को भी ऐसा करने को कहें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 35 साल की उम्र में अगर माँ बनती हैं और अगर आप उस समय अगर धूम्रपान करती हैं या फिर ड्रिंक करती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है या फिर बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए खुद तो करें ही ना, और अगर हो सकता है तो अपने पार्टनर को भी ऐसा करने के लिए कहें कि वो किसी भी तरह की कोई स्मोकिंग या फिर ड्रिंक ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर जो उनका धुआं होता है, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो अगर उसका धुआं होता है, तो उससे आपकी ओवरी पर बुरा असर पड़ता है और बच्चे को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का सेवन करती हैं तो इसे छोड़ दें, यह आपके और होने वाले बच्चे दोनों के लिए हानिकारक व घातक साबित हो सकती है। इस लत के कारण प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। अगर आप दिन में कई बार कॉफ़ी या चाय का सेवन करती हैं तो इस पर रोक लगा दें। इनमें कैफीन होता है जो शरीर के लिए एक मात्रा में अधिक पहुंचाने पर हानि पहुंचाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेज में हैं कि आप इस समय प्रेग्नेंट हैं और उस समय भी आप वही डेली की यानी कि रोज़मर्रा की लाइफ की जो आपकी आदत है आप उसे फॉलो करती आ रही हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको चेंज करने की ज़रूरत होगी। अगर आप कॉफ़ी पीती हैं, चाय पीती हैं, अगर आप 4 से 5 कॉफ़ी या चाय दिन में पीती हैं, तो आपको बहुत कम कर देना चाहिए। अगर हो सके तो आप दूध का इस्तेमाल करिए या फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए जिसमें पौष्टिक आहार बहुत ज़्यादा हो, जिससे अगर आप पौष्टिक आहारों का अगर सेवन करती हैं तो इससे आपके शरीर में तो एनर्जी आती ही आती है, साथ ही आपके बच्चों पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपका बच्चा तंदुरुस्त तो होकर आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चाय और कॉफ़ी में कैफीन, जैसे कि हमने अभी आपको पहले बताया था कि कैफीन बहुत ज़्यादा होता है जो शरीर के लिए एक मात्रा से अधिक पहुँचने पर हानि पहुँचाता है। देखो, ये आपके लिए तो हानिकारक होगा ही होगा, साथ ही आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। क्योंकि कैफीन की ज़्यादा मात्रा होने से गर्भपात का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो हम चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं या फिर यूं कहा जाए कि कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उसका थोड़ा सा कम कर दे उसका सेवन करना। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमें इस समय अपने वजन पर नियंत्रण रखना चाहिए, इससे हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे और आप आसानी से कंसीव कर लेंगे। कई बार बढ़ते वजन के कारण पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, जो हमारे समय पर पीरियड्स आ रहे होते हैं महिलाओं के, वो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर आपका वजन बढ़ गया है या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर रही हैं जिसकी वजह से आपके जो पीरियड्स होते हैं वो समय के अनुसार नहीं आते हैं। अगर आपके पीरियड्स समय के अनुसार नहीं आएंगे तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गर्भवती होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस दौरान तनाव ना पालें और रिलैक्स रहें। जितना हो सकता है आप अगर एक्टिव रहेंगी, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी, अगर आप पोषक तत्वों का अगर आप सेवन करती रहेगी, एनर्जी से भरी हुई चीज़ों को आप खाएंगी, तो उसमें आपका तनाव आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर जितना हो सकता है तनाव से थोड़ा दूरी बनाकर रहें और अपने आप को रिलैक्स फील कराएं। योग और मेडिटेशन की क्लास लेने से आपको फ़ायदा होगा। मन में नकारात्मक विचार ना आने दें। कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार में झगड़ा हो जाता है, वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को टेंशन छोड़ करके अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स और फ्री माइंड होकर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, जिस तरह से आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त और
अच्छा बना रहे। इक्योरन हेल्थ रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।